नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो आज हमने मंचूरियन बनाया है, तो देखिए इस तरीके से बनाया है हम। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बनाइए। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए किचन में। आज हम चल रहे हैं वेज मंचूरियन बनाने, तो चलिए फिर चलते हैं। हमें यहाँ पे कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, बंद गोभी, ये मेरी कद्दूकस की हुई गाजर है, हरी प्याज है, लहसुन है, धनिया है, नमक स्वाद अनुसार बहुत ज़्यादा डालना है, धनिया जीरा मिर्चा पाउडर है, पिसा हुआ लाल मिर्च है, काली मिर्च है, जिसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसमें 2 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। ये हम डाल रहे हैं मक्के का आटा, कॉर्न फ्लोर जिसे कहते हैं, 2 चम्मच इसको भी डाल दे रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पानी की यूज नहीं किए हैं, पानी नहीं यूज है इसमें, खुद पानी छोड़ा है। पत्ता गोभी है, इसको हमें जब तक मिक्स करना है जब तक इसका बॉल्स ना बनने लगे। नमक भी हमने इसमें डाल दिया है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। हमको इसमें थोड़ा कम लग रहा है मैदा डाल रहे हैं, 3 चम्मच हमने लमसम इसमें डाल दिया है। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। लग रहा है इसमें मक्के का आटा और डालना पड़ेगा, कॉर्न फ्लोर जैसे कहते हैं, सारा डाल दिए हैं। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं, हिसाब से ही डालना है ताकि कच्चा ना रहे, अंदर से लिपक जाए। देखिए बहुत अच्छा बन गया है, हो गया है मेरा रेडी। अब चल रहे हैं कढ़ाई चढ़ाने। ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, मैं इस तरीके से हाथ पे तेल लगा ली हूँ। अब इसके बॉल्स हम छोटे छोटे इस तरीके से बना लेंगे। तब तक कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, इस तरीके से हम बना के सारे रेडी कर लेंगे। ये मेरे सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं, लगभग 11-12 बने हैं। अब इसको हम इस तरीके से डाल दे रहे हैं पकने के लिए। बहुत तेज हम आँच नहीं किए हैं इसकी, हमको मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे। देखिए इस तरीके से हमें चला के पका लेना है दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना है।
बहुत ही आसानी से बहुत ही धीरे से हमें इसे पलटना है। देखिए ये मेरा पक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाए हैं, अभी हल्का कलर आया है इसका। इसको हम इस तरीके से छान लेंगे, निकाल ले रहे हैं। दो मिनट हमें तेल और गर्म करना है। अब इस बॉल्स को हम फिर से घी में डाल दे रहे हैं ताकि ये बहुत कुरकुरी और टेस्टी हो जाए। इसे हमें और एक बार पकाना है। थोड़ा सा आँच हम इसकी तेज कर दे रहे हैं। अभी मेरा देखिए अच्छे से पक गया है। इसको हम छान ले रहे हैं इस तरीके से करके, हम इसका तेल निकाल ले रहे हैं इस तरीके से, प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, लहसुन है, हरी प्याज है कटी हुई, थोड़ा सा अदरक है दोस्तों, गाजर है, शिमला मिर्च है लाल हरी। इस तरीके से हमें लगभग दो तीन मिनट तक फ्राई करना है अच्छे से। तो दोस्तों देखिए ये मेरा फ्राई हो गया है। अगर मेरी मंचूरियन मेरा अच्छा लगता है आपको, ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आपको। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मुझे ये बनाना बताइए वेज मंचूरियन, इसलिए हमने आज बनाया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। अभी मेरा हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन, टमाटर सॉस है, दो चम्मच लहसुन डाल रहे हैं, चिली सॉस है, लहसुन डाल रहे हैं, सोया सॉस है, दो चम्मच के लिए इसको भी डालना है। अभी यहाँ पे हम नमक डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना, हमने पहले से ही डाला था, थोड़ा सा हम कटा हुआ हरा धनिया में डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनने वाला है। दोस्तों ये हमने कल फ्राल घोल के रख लिया है और इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो
थोड़ा कढ़ाई में तेज कर दिए हैं इसके। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये। देखिए इसको हमें पकाना है थोड़ी देर तक। देखिए धुआं निकल रहा है, बहुत ही अच्छा पक गया है। अब इसमें हम इमोच डाल दे रहे हैं। आज ग्रीन मंचूरियन बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा ग्रीन मंचूरियन बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको एक प्लेट में हम सर्व करते हैं। देखिए इसको एक प्लेट में इस तरीके से सर्व कर रहे हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हम थोड़ा सा इस पर चिली सॉस और डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है ये, बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और अपने परिवार के साथ खाइए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों ये मेरा मंचूरियन आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।